वेलकम वेलकम आरसीआई ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 4। आवर नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखो बेटा, कैपेसिटर क्या था कि साइज को चेंज नहीं करे और उसकी जो पोटेंशियल है उसको डिक्रीज कर दे तो उससे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कैपेसिटर। तो इसको समझते हैं डायग्राम से। फॉर एग्जाम्पल, ये प्लेट है, प्लेट ए, और इसको इसके पास एक दूसरी प्लेट रख देते हैं, प्लेट बी। ठीक है, प्लेट ए को हम पॉजिटिवली चार्ज दे देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देंगे ए प्लेट को। किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से ए प्लेट को हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया। पॉजिटिव चार्ज देंगे तो ये प्लेट जो है आपकी, ये अनचार्ज है, तो ये जो प्लेट ए है इसका पॉजिटिव जो चार्ज है, यहां इस प्लेट पर इंडक्शन जो मेथड है उससे कौन सा चार्ज इंड्यूस करेगा। क्लियर है कि ये प्लेट अनचार्ज है, इसका मतलब ये थोड़ी कि इस पे चार्ज नहीं है। चार्ज तो है, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। इसका मतलब नेक्स्ट जो स्टेप होगी उसमें ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, ए प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज था, उसकी वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और इसका इस प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अदर सरफेस पे चला जाएगा। जो नेगेटिव चार्ज है जो इंड्यूस हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ सरफेस, जो प्लेट का सरफेस है पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो है वो नेगेटिव, और अदर जो सरफेस है उसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इस कंडीशन में हम पोटेंशियल देखते हैं तो कैपेसिटेंस आती है सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। अब हमें वी को डिक्रीज, साइज में कोई चेंज नहीं कर रहे तो अब वी को डिक्रीज करना है। क्यू कॉन्स्टेंट रहेगा और हम देखेंगे कि इसका सी इंक्रीज होता है या नहीं। तो अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि ये ए प्लेट है, ये प्लेट बी है, ठीक है, ए प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज था और इधर इसके बी प्लेट के इधर नेगेटिव चार्ज था। डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहे हम, डिस्टेंस दोनों के बीच वो स्मॉल डी है, इसमें भी स्मॉल डी है और इसमें भी स्मॉल डी है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसको हमने कर दिया यहाँ पे अर्थिंग। क्या कर दिया, अर्थिंग। तो जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो सब सारा किसमें चला गया, अर्थ में चला जाएगा। नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं गया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या कर रखा है, अट्रैक्ट कर रखा है, इस वजह से नेगेटिव चार्ज इसको नहीं छोड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज इसलिए चला गया कि ये वाला इस प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको रिपेल कर रहा था, तो वो आसानी से अर्थिंग हो जाता है उसका। तो अब इस कंडीशन में जो पोटेंशियल आएगा, देखो कुछ चार्ज अपना अर्थ में चला गया, उसकी वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो जो कैपेसिटेंस है, लेट अस कंसीडर इस कंडीशन में सी डैश है, तो चार्ज को कोई चेंज नहीं हुआ और पोटेंशियल इसकी डाउन हो गई। लेट अस कंसीडर वी डैश, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। तो सी डैश अपॉन सी इज इक्वल टू आपके पास आएगा क्यू अपॉन वी डैश इंटू, अपॉन करेंगे तो भी ऊपर चला जाएगा, क्यों नीचे, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो सी डैश अपॉन सी इज इक्वल टू आ जाएगा वी अपॉन वी डैश। ये तो क्लियर बात है यहाँ पर कि वी डैश जो है वो लेस देन है वी से, क्योंकि कुछ चार्ज अर्थिंग की वजह से अर्थ में चला गया और जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो इसकी पोटेंशियल को, जो इस प्लेट पर ये फिलहाल में जो पॉजिटिव चार्ज था इससे जो पोटेंशियल जनरेट हो रही थी उसको ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कुछ कम कर देगा। तो जो वी डैश की वैल्यू आएगी वो ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज वी से क्या होगी, लेस देन होगी। तो इट मीन्स इस कंडीशन में सी डैश अपॉन सी ये लेस देन होगा इससे, वन से। अरे नहीं, क्या ग्रेटर देन होगा, हाँ सॉरी, ये वी डैश लेस देन होगा और ये हो जाएगा ग्रेटर देन। तो इस कंडीशन में आ जाएगा आपके पास सी डैश इज ग्रेटर देन सी। देखो वी अपॉन वी डैश, यहाँ वी डैश लेस देन रहेगा किससे, वी से,
तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो एक से बड़ी आएगी, इट मीन्स ग्रेटर देन वन। तो यहाँ सी डैश इज ग्रेटर देन सी, इट मीन्स यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो पहले की कैपेसिटेंस से कुछ इंक्रीज हो जाएगी, बोलो नहीं क्या। और इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कैपेसिटर, यानी कि हमने साइज में कोई चेंज नहीं किया और उसकी पोटेंशियल को डिक्रीज किया, डिक्रीज करके उसकी जो कैपेसिटेंस है उसको इंक्रीज कर दिया। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है कैपेसिटर, क्लियर है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। भाई ये ध्यान रखना, ये तो है बिफोर अर्थिंग, ये कब है, ये है बिफोर अर्थिंग। बिफोर अर्थिंग जब अर्थिंग नहीं करते हैं उस टाइम कैपेसिटेंस, और ये है आफ्टर अर्थिंग। आफ्टर अर्थिंग में क्या होगा, कुछ पोटेंशियल जो कुछ चार्ज है जो अर्थ में चला जाएगा, इस वजह से उसकी कैपेसिटेंस ये आएगी, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू।